के दूसरे सेगमेंट में आपका स्वागत है। आजकल एक विवाद बेहद सुर्खियों में है, वो है क्रिकेटर मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच का। हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। हमने शमी का इंटरव्यू दिखाया था जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि हसीन ये आरोप सिर्फ इसलिए लगा रही है क्योंकि उनको प्रॉपर्टी और पैसों का लालच है, लेकिन हसीन के वकील ने इन बातों का खंडन किया था। आज हम आपको वो कागजात दिखाने जा रहे हैं जो प्रॉपर्टी हसीन जहां के लिए खरीदी थी मोहम्मद शमी ने, और हम आपको उसके बैंक ट्रांजेक्शन के डिटेल भी दिखाएंगे। देखिए क्या है ये पूरा मामला, हम पूछना चाहते हैं कि क्या सच्चाई है इस मामले की। उनके अंदर में वो हसीब घुसा था, ठीक है। उसके बाद शमी ने मुझे धक्का दिया, उस रूम में धक्का दे के शमी ने वो दरवाजा लगा दिया और हसीब ने मेरे साथ गंदा के इल्जामों को सुन रहा है, रह रहकर वो अपने पति और क्रिकेटर शमी पर इल्जाम लगा रही है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है हसीन जहां की असलियत सामने आती जा रही है। परिवार की ये कलह आपसी सुलह से शांत हो जाए इसकी कोशिश शमी ने खूब की, लेकिन हसीन जहां के इल्जामों की वजह से बात बनती कम और बिगड़ती ज्यादा नजर आने लगी और अब शमी खुलकर सामने आ गए हैं। इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया को दिए इंटरव्यू में शमी ने हसीन जहां के सारे राज बेपर्दा कर दिए। ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं जो मैंने उनके लिए की। हसीन जहां ये आरोप लगाती रही हैं कि शमी ने पति होने का कोई फर्ज नहीं निभाया, न बच्चों की परवरिश पर ध्यान दिया और न ही रहने और खर्च करने के लिए पैसे दिए, और सबसे बड़ी बात किसी प्रॉपर्टी में कहीं कोई हिस्सेदारी नहीं दी। जबकि शमी ने इंडिया न्यूज को दिए इंटरव्यू के दौरान हसीन के हर झूठ का पर्दाफाश किया। क्या ये सच है? हमको सूत्रों के हिसाब से खबर मिली है कि वीरभूमि में जहां पर ये रहती थी और जहां पर पहले इनकी शादी हुई थी वहां पर आपने इनको एक बंगला खरीद के दिया है। हाँ जी, क्योंकि ये पिछले लास्ट 2-3 साल से प्रॉपर्टी, घर और पैसा, इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा झगड़ती थी। हर चीज जब मैं फ्री होता था इनके साथ स्पेंड करता था टाइम, इनको बस केवल वही पैसे वाली बात, प्रॉपर्टी वाली बात इनके दिमाग में शायद घूमती रहती थी। तो मैंने इनको बहुत बार समझाया, मैंने इनके पापा को भी इस बात को समझाया कि अगर कोई बंदा अपनी ससुराल के सामने जाके अगर घर खरीदता है तो वो मेरे ससुर की बेइज्जती होती है, कि जब एक ससुराल वाला घर है तो आप दूसरा घर लेने का आपको हक नहीं बनता है। लेकिन इस चीज को लेकर भी बहुत सारी बहस चली, एंड ये हुआ कि मुझे उनको बंगला, घर का झगड़ा खत्म करने के लिए मुझे वो बंगला लेकर देना पड़ा। सुना है आपने उनको एक फ्लैट भी दिया, सूत्र बताते हैं हमारे और हमारा आदमी ये कंफर्म करता है रिपोर्टर इस बात को। ये आप उस मेरे पास उसकी रजिस्ट्री एग्रीमेंट के पेपर है, आप देख सकते हैं। शमी जिस प्रॉपर्टी के पेपर होने का दावा कर रहे हैं वो पेपर इंडिया न्यूज के पास है। ये जो कागज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये कोलकाता से 241 किलोमीटर दूर सूरी में प्रॉपर्टी के वो कागजात हैं जो हसीन के झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी हसीन के नाम है जिसका बकायदा सेल एग्रीमेंट भी है, और ये प्रॉपर्टी शमी ने हसीन जहां के नाम पर खरीदी थी जिसका पैसा शमी ने अपने अकाउंट से दिया था। ये सारे सबूत आज आपको इंडिया न्यूज दिखाने जा रहा है। ये देखिए, जिस शख्स से शमी ने हसीन जहां के लिए प्रॉपर्टी खरीदी उसका नाम रकीबुर्रहमान है। इसके अलावा इसमें दो और शख्स के नाम लिखे हैं जिसमें खैरुज्जमान और बदीउज्जमान मोहम्मद है। अब आगे देखिए, जिसके नाम ये प्रॉपर्टी खरीदी गई उसका नाम यहाँ लिखा है हसीन जहां। इसमें बाकायदा हसीन का पैन कार्ड नंबर है, साथ ही पति के तौर पर शमी का नाम लिखा हुआ है। सूरी में खरीदी गई इस प्रॉपर्टी को साल 2014 में 31 अक्टूबर को खरीदा गया। इस प्रॉपर्टी के पेपर पर वही तारीख लिखी है, इसमें इस प्रॉपर्टी की कीमत भी लिखी हुई है। 31 लाख की इस प्रॉपर्टी में 9 लाख रुपए एडवांस दिए जाने की बात भी है और 22 लाख रुपए 90 दिनों के अंदर दिए जाने का करार है। अब आगे देखिए, ये शमी का बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट है। इसमें 2 नवंबर 2017 को 3 ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला मोहम्मद खैरुज्जमान के नाम है जिन्हें 8 लाख रुपए दिए गए, दूसरा रकीबुर्रहमान के नाम है जिसे 7 लाख और तीसरा बदीउज्जमान के नाम है जिसे 7 लाख रुपए दिए गए, यानी कुल 22 लाख रुपए। ये वही रकम है जो प्रॉपर्टी की कीमत के तौर पर दी गई है और शमी के बैंक स्टेटमेंट में ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। इंडिया न्यूज के हाथ लगे ये कागजात बता रहे हैं कि शमी ने प्रॉपर्टी देने की जो बात कही वो सच है, लेकिन हसीन जहां के वकील इसे साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि कोलकाता में जिस घर में
हसीन और समी रहते हैं, उस घर में हसीन की कोई हिस्सेदारी नहीं है। इतना ही नहीं, दोनों पति पत्नी का कोई ज्वाइंट अकाउंट भी नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेटर जिसको केडियात की शुरू हुआ है, कलकत्ता जैसे सिटी ऑफ जॉय से, वो आपका अपना वाइफ का नाम में कलकत्ता में कुछ नहीं बना के शिवड़ी में क्यों कर दिया? कलकत्ता सिटी का अंदर में उनको रेसिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए डॉक्यूमेंट्री कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाया, शिवड़ी में क्यों बनाने गया? मेरे तो लग रहा है अभी जो सामी ने क्वेश्चन उठा रहा है, आप हम लोग की बात सहमत होगा, इसी के पीछे हमें कोई प्लॉट तैयार किया था। अपने नाम प्रॉपर्टी ना होने का रोना रोकर हसीन हमदर्दी लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन समी के पास जो सबूत है उससे साफ है, उससे लग रहा है कि हसीन को समी से ज्यादा प्रॉपर्टी से प्रेम था। प्रॉपर्टी के कागजात आपने देखे, लेकिन अब हम आपको हसीन जहां के उस इल्जाम का सच दिखाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि शमी ने उनको पैसों के लिए मोहताज कर दिया, लेकिन शमी ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा हसीन जहां पर खर्च किया, लेकिन शमी का कहना है कि हसीन जहां का लालच वक्त के साथ बढ़ता ही गया। चलाकी करके मुझे बदनाम कर दिया, चलाकी करके वो खुद गंदगी में घुस गया और आज तक वो चलाकी कर रहे। शमी के गांव से महज 1 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास एक फार्म हाउस इन दोनों के रिश्तों में दरार की बड़ी वजह माना जाता है। करोड़ों की मार्केट वैल्यू रखने वाला वो फार्म हाउस मोहम्मद शमी ने खरीदा था, जिसका हिस्सा हसीन अपने नाम चाहती थी। इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में शमी ने बताया कि हसीन प्रॉपर्टी को लेकर कुछ ज्यादा ही लालची हो चली थी। आपको लगता है कि ये कोई साजिश के तहत हो रहा है? हमारे सूत्र बताते हैं कि ये तो कम से कम 2 साल चल रहा था और प्रॉपर्टी को लेकर आपके उनके काफी डिस्प्यूट थे। जब आपने शायद अपने होम टाउन में जगह खरीदी, फॉर्म खरीदा, तो चाहती थी कि उसमें भी उनका कोई शेयर हो, और वो आपने अपने नाम पे खरीदा। वो चाहती थी कि आप कोलकाता के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें, ये भी खबरें निकल कर सामने आई हैं और कुछ लोगों ने इसको छापा है। इसमें कितनी सच्चाई है मैं सीधे आपसे सुनना चाहता हूं। देखो, जहां तक झगड़े झमेलों का सवाल है, जब मैं इंडिया नहीं खेला था तब उतना इनकम नहीं था, लेकिन जब से इंडिया खेले हैं, आईपीएल खेले हैं, तब से एक अच्छा इनकम हुआ है। इनका नजरिया उस चीज को देख के चेंज हुआ है कि इतना पैसा आता है, जाता कहाँ है, करते क्या है, ये वहां जमीन क्यों खरीद रहे हैं। इन्होंने उस चीज को इश्यू निकालने शुरू किए हैं, मेरी फैमिली में कमियां निकालनी शुरू कर दी है, मेरी फैमिली से झगड़े शुरू कर दिए हैं, इसको पसंद नहीं, उसको पसंद नहीं। और जहां तक प्रॉपर्टी का सवाल है कि मेरे नाम पर है, आप रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं किसकी, इसके नाम पर कितनी है। शमी ने हसीन के लिए प्रॉपर्टी खरीदी, इसका सच सबूतों के साथ इंडिया न्यूज आपको दिखा ही चुका है। इतना ही नहीं, शमी पर हसीन ने आरोप लगाया कि वो उन्हें खर्च के लिए पैसा नहीं देते, जबकि सच जो शमी ने बताया वो कुछ और ही है। कि मुझे ये जानकारी मिली है सूत्रों से कि पिछले कुछ एक साल के अंदर हसीन जहां ने आपके डेबिट कार्ड से करीब 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा किया है, ये मेरे सूत्र मुझे पक्के तौर पर बता रहे हैं। इसकी क्या हकीकत है? उन्होंने आप पर साफ ही आरोप लगाया था कि आप खर्चा नहीं देते हैं, जब मैं खर्चे की बात करती हूं या कोई दूसरी बात करती हूं तो आप उनके साथ मारपीट करते हैं। ये आपको मेरे रिकॉर्ड से दिखेगा, हालांकि जो मेरा मेन अकाउंट है उसका डेबिट कार्ड उनके पास है, कुछ ब्लैंक चेक साइन हुए हुए उनके पास हैं, कुछ भरे हुए चेक उनके मेरे पास हैं, जो कंप्लीट चेक हैं। आप रिकॉर्ड से देखते हैं, मंथली खर्चे आते हैं, बैंक का बंदा घर पे देकर जाता है। और जहां तक इनके खर्चों का सवाल है, जो मैंने इनको दिया है ऑन रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं, आपके सूत्र जो जहां से आपको मिला है वो आप चेक कर सकते हैं। सभी के पास हसीन के हर इल्जाम का सबूत है, लेकिन हसीन जहां के वकील इस पर जो दलील दे रहे हैं उसे सुनिए। मीडिया और प्रिंट मीडिया में सामी ने कहा है कि 1.5 करोड़ रुपया एक साल के दरमियान उसको वाइफ खर्चा किया है उसको डेबिट कार्ड में। आप सब जानते हैं जो डेबिट कार्ड में जो यूज होता है, एक्सपेंसेस होता है, वो बैंक से होता है, बैंक से व्हाइट ट्रांजेक्शन होता है, उसका स्टेटमेंट से भी पता लग जाएंगे, झूठा और गलत इल्जाम है। समी के बैंक अकाउंट में हसीन जहां के सारे झूठ का सच दर्ज है।
हसीन जहां के आरोपों के बाद मोहम्मद शमी के लिए स्थिति बड़ी चुनौतीपूर्ण हो गई है। एक तरफ उन्हें अपने परिवार को बचाना है और दूसरी तरफ कैरियर को। बीसीसीआई ने एक एंटी करप्शन यूनिट से हसीन जहां के पूरे मामले की जांच कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। मोहम्मद शमी ने आज 3 घंटे उनके सवालों का सामना किया। आरोप खत्म कर देंगे शमी का करियर? क्या मैच फिक्सिंग के आरोपों से निकल पाएंगे शमी? क्या इस बार आईपीएल में खेल पाएंगे मोहम्मद शमी? ये वो सवाल हैं जो इन दिनों शमी के प्रशंसकों के दिमाग में उठ रहे हैं। शमी को आईपीएल के लिए दिल्ली डेयर डेविल्स ने चुना था, लेकिन हसीन जहां के मैच फिक्सिंग के आरोपों के बाद शमी के क्रिकेट करियर पर भी स्याह बादल छा गए हैं। हो भी सकता है जब वो मुझे फ्रॉड कर रहा है तो वो देश को भी फ्रॉड कर सकता है। अपने शौहर पर हसीन के आरोप बेहद संगीन है और इन इल्जामों के बाद ये तय था कि शमी को कुछ सवालों के जवाब तो देने ही होंगे। गुरुवार को बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट ने शमी को बुलाकर उनसे करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान शमी से सारे हालात साफ करने को कहा गया। बीसीसीआई ने शमी से साउथ अफ्रीका से भारत लौटने तक के पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली। दरअसल हसीन का आरोप है कि साउथ अफ्रीका से भारत लौटते वक्त शमी दुबई में रुके थे, जहां उनकी मुलाकात अलिशबा नाम की पाकिस्तानी लड़की से हुई थी, जिससे कथित तौर पर शमी ने पैसे भी लिए थे। बीसीसीआई को मोहम्मद शमी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर बड़ा फैसला लेना है। अगर ये फैसला शमी के खिलाफ जाता है तो शमी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने से रोका भी जा सकता है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। बीसीसीआई के फैसला लेने के बाद आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली डेयरडेविल्स भी इस बात पर फैसला लेगी कि शमी इस बार आईपीएल में उनकी टीम से खेलेंगे या नहीं। यानी शमी के करियर में फैसले की घड़ी नजदीक है। शमी इज कंसर्न, सो वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल गो बाय द रिपोर्ट ऑफ एसीयू चीफ मिस्टर नीरज कुमार। व्हाट एवर हिज रिकमेंडेशन इज दैट विल बी आवर यू नो फाइनल आवर फाइनल डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन दैट। दरअसल बीसीसीआई मैनेजमेंट की समिति सीओए ने बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट के चीफ नीरज कुमार को शमी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के आदेश दिए थे। इस मामले में एंटी करप्शन यूनिट को अपनी रिपोर्ट बोर्ड मैनेजमेंट को 1 हफ्ते के भीतर सौंपनी है। गौरतलब है कि शमी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर बीसीसीआई पहले ही रोक लगा चुका है। मोहम्मद शमी के मुताबिक उन पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद हैं और वो किसी भी जांच का सामना करने को तैयार है। लेकिन हसीन जहां के आरोपों ने मोहम्मद शमी को अच्छी खासी मुसीबत में डाल रखा है। बहरहाल अगर एंटी करप्शन यूनिट को पूछताछ और जांच के बाद भी ये लगता है कि शमी ने किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है तो शमी का क्रिकेट का सफर जारी रहेगा। जाहिर है इस वक्त शमी और उनके प्रशंसकों दोनों दम साधे बीसीसीआई के फैसले का इंतजार कर रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मैच फिक्सिंग का आरोप लगाकर हसीन जहां ने मोहम्मद शमी को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। हसीन जहां ने यह कहा था कि अलिशबा नाम की एक पाकिस्तानी लड़की से मोहम्मद शमी ने पैसे लिए और ये पैसे किसी मोहम्मद भाई ने भिजवाए थे। उन्होंने इसकी जांच की बात कही, लेकिन असलियत क्या है? ये मोहम्मद भाई कौन है? खुद हसीन जहां से उनके संबंध कैसे हैं? हसीन की अब की कहानी और पहले वो मोहम्मद भाई के बारे में क्या सोचती थी, ये आपको अब दिखाते हैं। कौन है मोहम्मद भाई? क्या करता है मोहम्मद भाई? क्यों दिए मोहम्मद भाई ने शमी को पैसे? ये वो सवाल है जिनका जवाब बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट भी जानना चाहती है। और सूत्रों के मुताबिक जब गुरुवार शाम शमी से पूछताछ हुई तो मोहम्मद भाई को लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया था।
लेकिन असल में ये मोहम्मद भाई हैं कौन? इसका जवाब हम आपको सबसे पहले हसीन जहां के मुंह से सुनवाते हैं। इंग्लैंड में तो मैं इंग्लैंड में मैं गई थी और मोहम्मद भाई से मिली थी। मोहम्मद भाई जो है वो जहां तक मैं जानती हूँ उसे उन्हें फुटेज लेने का शौक है। फुटेज मतलब मैं प्लेयरों में घूमता हूँ, प्लेयरों में मैं रहता हूँ, प्लेयरों के पीछे वो खर्च करते हैं, रेस्टोरेंट लेके जाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, प्लेयर्स को वो गिफ्ट करते हैं, प्लेयर्स के पीछे खर्चे करते हैं वो, तो इसी हिसाब से मैं मोहम्मद भाई को जानती हूँ। दरअसल विदेश दौरे के दौरान खुद हसीन जहां भी अपने शौहर समी के साथ मोहम्मद भाई की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा चुकी है। जहां तक मोहम्मद भाई का सवाल है, आप सबसे पूछ सकते, सब जानते हैं, एक नॉर्मल एक अच्छी फैमिली का इंसान है, मोबाइल का बिजनेस है, तो इसमें कोई खराब चीज नहीं है। और एक इंटरव्यू में ये खुद बोल चुकी हैं उनको कि वो पांचों टाइम के नमाजी हैं। वो ऐसा हर किस कर ही नहीं सकते क्योंकि वो सफर में भी अपनी पांचों टाइम की नमाज पढ़ते हैं। ये खुद उनके घर गई, उनके साथ डिनर कर चुकी हैं, वो जानती है मोहम्मद भाई को और जानती है, भली भांति जानती है, शॉपिंग करके आई है उनके साथ, उन्होंने उनको ड्रॉप किया एयरपोर्ट, पिक किया एयरपोर्ट से, बहुत अच्छी तरह जानती है। उसके बाद ये इल्जाम उन पर है। तो मतलब ये तो ऐसा लग रहा था जैसे मोहम्मद भाई कोई बहुत बड़े मैच फिक्सर हो, कोई किसी डी कंपनी के या कोई ए कंपनी के या सी कंपनी के आदमी हो, उस तरह उनको वो बता रही थी या उनको कोशिश कर रही थी जताने की। देखिए ये हमारी जुबान है, मैं आप पे इल्जाम लगा सकता हूँ, दो चार और लोगों पे इल्जाम लगा सकता हूँ, जुबान है, किधर भी आप फेंक सकते हो आप, लेकिन उस चीज का आपको प्रूफ करना। यानी मोहम्मद भाई के साथ शमी का रिश्ता परिवार जैसा है। वो एक करीबी दोस्त है जिससे कभी कभार ही मुलाकात का मौका शमी को मिलता है। लेकिन बीसीसीआई ने हसीन जहां के इल्जामों के बाद मोहम्मद भाई के बारे में भी गहरी पूछताछ की है। हालांकि सूत्रों का यही दावा है कि अब तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध या गलत सामने नहीं आया है, लेकिन बीसीसीआई जब तक शमी को क्लीन चिट नहीं दे देती तब तक करियर पर संकट की तलवार लटकती ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन हम आपको बता दें कि इस मसले से जुड़े खुलासे हम लगातार करते रहेंगे। चलते चलते मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि इंडिया न्यूज ने एक मंच सजाया है, एक ऐसा मंच जिसमें हम देखेंगे कि एक साल में योगी सरकार कितनी असरदार रही। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति के तमाम बड़े दिग्गज इंडिया न्यूज के इस मंच पर मौजूद होंगे। इसलिए सुबह से आप देखते रहिए लगातार इंडिया न्यूज, आगे खबरों का सिलसिला जारी है।